हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि गाइस कैसे आप सभी लोग पबजी मोबाइल लाइट के अंदर भी क्विक स्कोप इनेबल कर सकते हैं। तो गाइस, जिन भाई को नहीं पता है कि यार क्विक स्कोप क्या होता है, तो गाइस मैं आप सभी को बता दूं। तो गाइस, आप लोग कभी भी स्कोप चेंज करते हो तो गाइस आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले बैकपैक के अंदर जाते हो। उसके बाद गाइस आप लोग यहां पे देखते हो कि यार आपको कौन सा स्कोप लगाना है कौन सी गन के अंदर। तो गाइस आप लोग वो वाला स्कोप यहां पे सेलेक्ट करके उस गन के अंदर लगा देते हो। तो गाइस यहां पे क्या होता है, आपका बैक ओपन हो चुका है और गाइस आपको जो सामने की स्क्रीन है वो खाली हाफ स्क्रीन दिखाई देती है और जो आधी स्क्रीन है वो आपको दिखाई नहीं देती है। तो गाइस यहां पे गाइस क्या होता है कि आप लोग कभी भी एनी वगैरह आ जाए और गाइस आप लोग स्कोप चेंज कर रहे हो तो गाइस आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि एक साइड का दिखाई दे रहा है बट एक साइड का दिखाई नहीं दे रहा है। तो गाइस आपको जो एनी भी है गाइस वो इजी किल कर देगा। बट गाइस यहाँ पर जो क्विक स्कोप है उसका क्या एडवांस होते हैं मैं आप सभी को बता दूँ। तो गाइस आप लोग कभी भी स्कोप चेंज करना चाहते हो तो गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे गाइस आपको एक स्कोप वाला ऑप्शन दिया जाएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे और जो भी गाइस आपके बैक के अंदर स्कोप होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। और गाइस यहाँ पे आप लोग जैसे जिस स्कोप के ऊपर क्लिक करोगे वो गाइस स्कोप आपकी गन के अंदर लग जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आपको थोड़े से ज़्यादा एडवांस मिल जाते हैं स्कोप चेंज करने के। तो गाइस इसी को बोलते हैं क्विक स्कोप। तो गाइस अब आप सभी को पता चली गया होगा कि क्विक स्कोप होता क्या है। तो गाइस अब बात करते हैं कि गाइस आप लोग क्विक स्कोप सेटिंग को कैसे इनेबल कर सकते हैं अपने पबजी मोबाइल लाइट के अंदर। इसके लिए गाइस आप लोग इस वाली वीडियो को विदाउट स्किप शुरू से लेके एंड तक देखना, क्योंकि गाइस मैं यहाँ पर जितने भी आपको स्टेप बताऊंगा सारे के सारे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। अगर गाइस आप लोगों ने एक भी स्टेप फॉलो नहीं किया तो गाइस आप लोग अपने पबजी मोबाइल लाइट के अंदर क्विक स्कोप को इनेबल नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए गाइस मैं बोल रहा हूँ कि गाइस कि आप लोग विदाउट स्किप करें, पूरा का पूरा वीडियो देखिए। तो गाइस अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर गाइस आप लोगों ने इस वाली वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड गाइस अगर आपको चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर देना। तो गाइस अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यार क्विक स्कोप इनेबल करने के लिए गाइस सबसे पहले तो आपको आ जाना है इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जैसे आप लोग इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आओगे तो गाइस आपको थोड़ा सा स्लाइड करना है और गाइस वहां पे आपको देखने को मिलेगी क्विक स्कोप फाइल। तो गाइस आपको यहां पे करना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और गाइस उसके बाद गाइस आपके सामने कुछ ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा और यहां पे गाइस आपको जो है क्विक स्कोप फाइल को डाउनलोड करना है। तो देखो जो डाउनलोड वाला ऑप्शन है गाइस वो सबसे टॉप पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो गाइस आप लोग यहां पे क्लिक करना और यहां पे गाइस आपको थोड़ा सा लोडिंग लेगा और गाइस यहां पे जो आपकी क्विक स्कोप फाइल है वो यहां पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे आपकी क्विक स्कोप फाइल डाउनलोड हो जाए उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, यहां से गाइस आपको बैक कर देना है और गाइस आपको जाना है अपनी होम स्क्रीन पे और गाइस होम स्क्रीन पे आने के बाद गाइस आपको जाना है प्ले स्टोर पे। जैसे आप लोग प्ले स्टोर के अंदर आओगे उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर सर्च करना है जेट और अचीवर, ठीक है। तो आप लोग पूरा नाम भी डाल सकते हो, जैसे आप लोग जेट ए डालोगे तो गाइस सेकंड नंबर पे आपको यहाँ पे लिख के दे दिया मतलब आ जाएगा। तो गाइस आप लोग क्लिक कर देना, उसके बाद गाइस आपको सेकंड नंबर पे जो एप्लीकेशन दिखाई दे रही है ग्रीन रंग की उस पर गाइस आपको क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आपको इस वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। बट यार मेरे फोन में पहले से डाउनलोड है तो यार मैं यहाँ पे ओपन करूंगा, जैसे आपके डाउनलोड हो जाए उसके बाद आपको भी ऐसी ओपन कर लेनी है, ठीक है। जैसे आप लोग इसे ओपन करोगे तो गाइस आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा और गाइस यहाँ पे आपको उस फोल्डर के अंदर जाना है जिसके अंदर गाइस आप लोगों ने क्विक स्कोप की फाइल को रखा है। जैसे कि अब मैंने डाउनलोड की थी क्विक स्कोप फाइल को तो वो डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर आई होगी, तो मैं डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर जाऊंगा। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको ढूंढनी है क्विक स्कोप फाइल। तो यहाँ पे गाइस जैसे आपको क्विक स्कोप फाइल मिल जाए तो देखो यार यहाँ पे मेरी क्विक स्कोप फाइल आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है निंजा आर्मी क्विक स्कोप फाइल जिप, ठीक है। तो आपको ये मिल जाएगी, उसके बाद गाइस आपको इस पर टैप करना है। जैसे गाइस आप लोग क्विक स्कोप फाइल पे टैप करोगे उसके बाद गाइस आपको सेकंड नंबर पे ऑप्शन मिलेगा एग्जैक्ट हेयर का। तो गाइस आपको क्या करना है, एग्जैक्ट हेयर ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग एग्जैक्ट हेयर पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो गाइस आपको सबसे पहले टॉप पे आ जाना है और जैसे आप लोग टॉप पे आओगे तो गाइस आपका जो सेव्स गेम मतलब जिप था उसका सेव्स गेम बन जाएगा। तो गाइस आपको यहाँ पे एक सेव्स गेम्स नया फोल्डर आ जाएगा। तो गाइस आपको क्या करना है, सेव्स गेम जो फोल्डर दिखाई दे रहा है उस पर लॉन्ग टैप करना है और लॉन्ग टैप करने के बाद गाइस आपके सामने कुछ इस टाइप के ऑप्शन आ जाएंगे। तो गाइस आपको यहाँ पे एक कैचे वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा तो गाइस आपको उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप लोग कैचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे उसके बाद गाइस आपको बैक कर देना है। जैसे गाइस आप लोग बैक करोगे तो गाइस उसके बाद गाइस आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर गाइस आपको सेकंड नंबर पे एक फोल्डर देखने को मिलेगा एंड्रॉइड का। तो गाइस एंड्रॉइड वाले जो फोल्डर है गाइस आपको उस पर क्लिक कर देना है और जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो गाइस आपको फर्स्ट नंबर पर मिलेगा डेटा का फोल्डर, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे तो गाइस आपके सामने यहाँ पे एक न्यू इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ पे गाइस आपको ढूंढना है कॉम टेंसेंट ई लाइट फोल्डर जो होगा पबजी मोबाइल लाइट का, उस फोल्डर को आपको ढूंढना है।
तो यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हो मेरे को यहाँ पर जो फोल्डर है वो मिल चुका है, आप लोग देख सकते हो कॉम्पटेंशन ई लाइट फोल्डर। तो गाइस आपको क्या करना है, इस पर आप क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो गाइस उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे क्लिक करना है फाइल्स पे, और जैसे आप लोग फाइल्स पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको क्लिक करना है UA4 गेम पे, ठीक है। तो इस वाले फोल्डर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस वाले फोल्डर पे क्लिक करोगे तो गाइस आपके सामने एक और फोल्डर आएगा सेलो ट्रैकर एक्स्ट्रा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना। जैसे गाइस आप लोग क्लिक करोगे तो गाइस आपके सामने दोबारा से आ जाएगा सेलो ट्रैकर एक्स्ट्रा वाला फोल्डर, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे तो गाइस आपको यहाँ पर सेकंड नंबर देखने को मिलेगा सेव्ड का फोल्डर, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे तो गाइस उसके बाद गाइस यहाँ पे लास्ट स्टेप बचा है हमारा, वो गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा एरो, गाइस मैंने यहाँ पे दिखा दिया जो ग्रीन ग्रीन है ना गाइस, वहाँ पे गाइस आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। और जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे ना गाइस उसके बाद गाइस जो आपका क्विक स्कोप फाइल यानी कि क्विक स्कोप सेटिंग है वो यहाँ पे गाइस इनेबल हो जाएगी। उसके बाद गाइस आप लोग पबजी मोबाइल लाइट के अंदर जाना और गाइस आपको जो क्विक स्कोप फाइल है वो इनेबल हो जाएगी। तो गाइस यही था आज की वीडियो में। तो गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक मार दो, और गाइस अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके गाइस नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।